पास है और हमको क्या करना है, चार मिठाई प्रत्येक व्यक्ति को देना है। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिठाई देना है? चार मिठाई देना है। देखिए हमारे पास मिठाई कितनी है? 32 मिठाई है ना। एक आदमी को हम चार मिठाई देते हैं तो हमारे पास कितनी मिठाई बची? 28 मिठाई बची। फिर हम दूसरे व्यक्ति को चार मिठाई दे दिए तो कितनी मिठाई बची? 24 मिठाई। फिर तीसरे व्यक्ति को चार मिठाई दे दिए तो कितनी मिठाई बचेगी हमारे पास? फिर चौथे व्यक्ति को चार मिठाई दिए तो कितना मिठाई बचेगा? पांचवे व्यक्ति को चार मिठाई दिए तो कितना मिठाई बचेगा? छठवें व्यक्ति को चार मिठाई दिए तो कितना मिठाई बचेगा? सातवें व्यक्ति को चार मिठाई दे दिए तो कितना मिठाई बच रहा है यहाँ? लास्ट व्यक्ति जो आठवां व्यक्ति है उसको जब चार मिठाई हम देंगे तो कितना मिठाई हमारे पास बचेगा? शून्य। कोई मिठाई हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए ये भाग तो अगर हम इसको चाहेंगे तो इस तरह भी पता कर लेंगे कितने व्यक्तियों को मिठाई देना है। हमारे पास 32 मिठाई है और एक व्यक्ति को कितना मिठाई देना है? चार मिठाई देना है। तो कोई पूछेगा कि बताइए कितने लोगों को मिठाई हम दे सकते हैं। तो इसका सीधा तरीका है कि हम इसमें चार लिखा तो चार का 32 में भाग देंगे तभी विराट आ जाएगा ना। और दूसरा तरीका है कि हम 32 में से चार आठ में घटाएंगे तभी भी हमको पता चल जाएगा कि आठ व्यक्तियों को मिठाई मिलेगी। जैसे मान लीजिए लड़का है, अब इसको हम चार दे दिए तो हमारे पास मिठाई चार कम हो गई ना। हमारे पास अब 28 मिठाई बचेगी। अगर 32 में से चार निकालेंगे तो कितना बचेगा? और फिर उसमें से चार दे देंगे तो और कितना बचेगा? फिर उसमें से चार देंगे तो कितना बचेगा? 20। फिर उसमें से चार दे देंगे तो कितना बचेगा? 16। फिर चार दे देंगे तो कितना बचेगा? 12। फिर चार दे देंगे तो कितना बचेगा? 8। फिर चार देंगे तो कितना बचेगा? 4। अब फिर चार दे देंगे इसको खेसारी में तो कितना बचेगा? 0। तो हमारी मिठाई पूरा खत्म हो गई ना। समझ में आया? तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि भाग मतलब घटाओ विधि द्वारा भाग को पढ़ना है। घटाकर भी हम पता कर सकते हैं कि हम हमारे पास इतनी एक दुकानदार के पास अगर मान लीजिए 32 मिठाई है तो कितने लोगों को चार चार मिठाई, एक आदमी को चार।